नमस्ते सुदीदी, मैं आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उसमें शुरू आपको दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे जो है अपने फ़ोन में अपने नाम का एक एनिमेटेड गिफ फाइल को अपने बैकग्राउंड में सेव कर रख सकते हैं। ये बहुत ही कूल लगता है दोस्तों। आप लोग मेरे जो मोबाइल का स्क्रीन है उसको देख सकते हैं, जो मेरा जो नाम है वहाँ पर बार बार फ्लैश होकर आ रहा है। तो आप लोग भी कुछ इसी तरह से अपने लिए एक गिफ फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। तो इसी का जो प्रोसेस है ये आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्त, आपको मेरे चैनल के अगर दूसरे वीडियो देखने हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर सकते हो, ताकि जो भी नया वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना होगा, आपको दो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। एक तो गिफ्ट लाइव वॉलपेपर, जो कि आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, और दूसरा जो एनिमेटेड लोगो और दूसरा एनिमेटेड टेक्स्ट। तो दोनों आपको ये दोनों एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है या फिर इंस्टॉलेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दोनों ही लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों, जब आपने ये दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, सबसे पहले आप लोग जो एनिमेटेड टेक्स्ट है इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले इसको जो आपको जो परमिशन वगैरह है वो आपको दे देनी होगी। तो आप लोग इस परमिशन पर टैप कीजिए, और जो ये दो परमिशन मांगता है, एक आपके स्टोरेज का और दूसरा आपके कैमरा का। तो आप ये दोनों परमिशन को दे दीजिए तो ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बीच में आप लोग एक बड़ा सा बटन देख सकते हो, प्ले बटन, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग दोस्तों चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट किसी दूसरे कलर में दिखे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर वर्ड के आगे आप लोग एक स्टार डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेरा सरनेम है उसका एक स्टार डाल दिया है। अब मैं इसको जब यहाँ पे प्ले करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो नाम है और जो मेरा टाइटल है वो दोनों ही डिफरेंट कलर्स में आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको जो नॉर्मल बैकग्राउंड वाले जो गिफ्ट फाइल है उसने को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग कुछ इस तरह का जो गिफ्ट फाइल अगर सिलेक्ट करते हैं जिसके बीच में ऐसे डॉट डॉट होते हैं या फिर कोई दूसरा एनिमेशन होता है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा कोई नॉर्मल वाला सिलेक्ट करना होगा जिसके पीछे सिर्फ एक सेम बैकग्राउंड होता है, जैसे कि ये वाइट वाला या फिर आपका ये ब्लैक वाला हो सकता है, या फिर जो लास्ट में आप लोग देख सकते हो जैसे कि ये वाला भी हो सकता है। आप लोग दोस्तों इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए जो कि एक प्लेन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है, आपको यहाँ पे जो एनिमेशन मिलता है इन सभी में से आपको वही एनिमेशन सिलेक्ट करना होगा जो कि एक सिंपल एनिमेशन हो। जैसे कि आपको इस तरह के एनिमेशन नहीं सिलेक्ट करने हैं, आपको इस कुछ इस तरह के एनिमेशन वगैरह होगा जो कि आपके पूरे डिस्प्ले को यूज़ नहीं कर रहा हो, बस पर्टिकुलर एक सेक्शन को यूज़ कर रहा हो। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना गिफ्ट फाइल है उसको एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो फॉर्मेट और साइज है इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा। तो आप लोग जब अपने फ़ोन के वॉलपेपर के लिए गिफ्ट फाइल बनाएं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको जो फॉर्मेट है वो स्क्वायर होना चाहिए और जो साइज़ है वो 512p होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ये राइट बटन है, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे सेव एज ए गिफ्ट फाइल यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो गिफ्ट फाइल को प्ले कर देना होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आपका जो गिफ्ट फाइल है आपके गैलरी में मिल जाएगा। तो हमारा जो गिफ्ट फाइल है वो रेडी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो गिफ्ट लाइव वॉलपेपर है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो गैलरी ऐप है वो यहाँ पे खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको हमारा जो गिफ्ट फाइल मैंने जो बनाया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको मैच करना होगा। उसके लिए आप जो थ्री डॉट देख सकते हैं यहाँ पे, जो लाल हरा और नीला जो डॉट है इस पर क्लिक कर दीजिए और जो ड्रॉप आइकॉन है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो पूरा बैकग्राउंड है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा या फिर आपने जो भी कलर दिया होगा उसके साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो आपका नाम है या फिर आपका जो एनिमेशन है इसको अलाइन करना होगा। आप लोग यहाँ पे बीच में कहीं पे डाल सकते हो, उसके बाद इस बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जो आपको अलाइन बटन इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नीचे आपका जब यहाँ पे सब कुछ और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि आपको रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग इसको रोटेट कर सकते हो या फिर इसके एनिमेशन की स्पीड में एनिमेशन की जो स्पीड है इसको कम या बढ़ा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जब आपका मंचा एनिमेशन आपको मिल जाए उसके बाद नीचे जो राइट बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो गिफ्ट फाइल है यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। बस आप यहाँ पे आपको सेट वॉलपेपर बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप इसे अपने होम स्क्रीन पे या फिर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पे ही सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको होम स्क्रीन पे सेट करके दिखाता है। दोस्तों हमारा जो होम स्क्रीन पे जो गिफ्ट फाइल है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये जो एनिमेशन है मेरे वॉलपेपर। दोस्तों यहाँ पे तो सिर्फ मैंने अपना नाम लिखा है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे कोई मोटिवेशन कोर्स वगैरह लिख के रख सकते हैं अपने फोन के डिस्प्ले
डिस्प्ले पे, और वो वहाँ पे आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। दोस्तों इस तरह से और भी बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से खुद ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हम लोग हमारे चैनल में जा सकते हो, वहाँ पे आपको इसी तरह के और भी वीडियोस मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।